नादरीन सिटी टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान की शान बान आन तेलंगाना। तेलंगाना में आज यहाँ के वज़ीर आला ने वो काम कर दिखाया। गंगा जमुना तहजीब लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे मिसाल कायम कर दी। मंदिर मस्जिद यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में बनाकर ये मस्जिद को तोड़कर बेहतरीन मस्जिद बनाने वाले ये पहले वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आला ने कहा तमाम लोगों से, तमाम हिंदुस्तान के हर बाशिंदे से ये कहा कि देखो तेलंगाना में हमने एक मिसाल कायम कर दी है कि जिस तरीके से कहीं पे ऐसा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि निज़ाम सरकार उस ज़माने में उन्हीं के लिए वो मस्जिद बनाई गई थी। अब ये मस्जिद तमाम मुसल्लियों के लिए सेक्रेटेरिएट में बनाई गई है। इतनी आलीशान मस्जिद को बनाया गया है। इसका आज इफ्तिताह अमल में आया, आज जुमे की नमाज़ यहाँ पे हुई। इस मौके पे AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर AIMIM, होम मिनिस्टर महमूद अली, तमाम उनके अलावा दीगर लोग यहाँ पे मौजूद थे। आइए देखते हैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद से ये कुछ मनाजिर। وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا. लाइन में आज बन गया है, बहुत ही अच्छी बात है। तमाम तेलंगाना का हिंदुस्तान के मुसलमान हम तो मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए। भाई रुको भाई, ढकलो मत भाई, पूरे 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 उधर पूरे उधर ही हमारे, ढकलो मत भाई, ढकलो मत भाई। तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरी के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी उस जमाने में, उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। क्या जबरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटेरिएट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं,
और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं, बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है कि ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए। हम